दोस्तों आज मैं स्मार्ट EWS को मैं भजन सही कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा कि मेरे पास स्मार्ट का कांटा है। तो हम 5 किलो भार का बाट रख के चेक करते हैं भजन कितना बता रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 1550 भजन बता रहा है जो कि गलत है। तो इसे सही कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये कांटा एक्सटर्नल कैलिब्रेशन भी ले नहीं रहा है, तो इसकी हमें इंटरनल कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस डिस्प्ले को खोलेंगे और आप इस जम्पर को यहाँ से निकाल के दूसरी साइड के दोनों तारों में जोड़ देंगे। जोड़ दिया दोस्तों मैंने, कांटे को बंद करेंगे, दोबारा चालू कर देंगे। कैप 40 लिख के आया है। आप जिसका इस कांटे को जितना खोलना चाहते हैं, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो या 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 5 क्विंटल तक खोल सकते हैं इसे, लेकिन मुझे 1 क्विंटल ही खोलना है तो 1 क्विंटल पर मैं 100 पे ही ओके कर दूंगा। ये नो लोड लिख के आया और रीडिंग आ गई। उसके बाद एक बार और 0 दबाऊंगा, लोड लिख के आ गया। लोड लिख के आने पे और रीडिंग आने पे उसके बाद हम इसके ऊपर बाट रख देंगे और हम इस पर फिर 0 दबाएंगे तो ये हमारे सामने भजन लिख के आएगा। ऐप वाले बटन से पहले से सारी 0 कर देंगे, उसके बाद इसे करेंगे यहाँ से 5 एम वाले बटन से, उसके बाद ऐप वाला बटन दबाएंगे, सॉरी गलत हो गया, 5 किया एम वाले बटन से, और इसके बाद 2 बार ऐप वाला बटन दबाया और उसके बाद 0 कर देंगे इसे। दोस्तों हमारा कांटा कैलिब्रेट हो चुका है, देख सकते हैं आप, लीटर में 486, किलो में 5। इसके बाद दोस्तों आप कांटे को बंद करेंगे, दोबारा कांटे को खोलेंगे और इस जम्पर को जहाँ से निकाला था दोबारा वहीं पे लगा देंगे। आटे अलग कर लेंगे कांटे से और देखते हैं दोस्तों हमारा कांटा सही हुआ या नहीं। दोस्तों देख सकते हैं हमारा कांटा बिल्कुल सही हो गया है। दोस्तों यही प्रोसेस कांटे में एरर 1 आने पर भी किया जाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप आगे नई नई वीडियो पा सकें। धन्यवाद।